कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना और अडानी के मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों की बात सुनी और अपनी भी बात रखी। हमने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग से बात की, लेकिन जब हमने युवाओं से उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कई ने कहा कि वे बेरोजगार हैं या कैब चलाते हैं। जब किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि पीएम बीमा योजना के तहत पैसा नहीं मिल रहा, उनकी जमीन छीन ली गई, जबकि आदिवासियों ने आदिवासी बिल की बात की। इसके साथ ही लोगों ने अग्निवीर योजना के बारे में भी बात की, लेकिन लोगों ने कहा कि इससे हमें 4 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि अग्निवीर योजना आरएसएस और गृह मंत्रालय से आई है, न कि सेना ने इसका प्रस्ताव रखा था। राहुल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फिर समाज में वापस जाने के लिए कहा भी जा रहा है। इससे हिंसा भड़केगी और अधिकारियों के हवाला देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अग्निवीर योजना सेना से नहीं बल्कि इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेना पर थोप दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बजट को टारगेट करते हुए आगे कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्द नहीं थे। तमिलनाडु, केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हम हर जगह एक ही नाम अडानी सुनते आ रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ अडानी, अडानी, अडानी। लोग मुझसे पूछते थे कि अडानी किसी भी बिजनेस में आता है और कभी फेल नहीं होता। युवाओं ने हमसे पूछा कि अडानी अब 8 से 10 सेक्टर में है और उसकी नेटवर्थ 2014 से 2022 तक $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे पहुंच गई। कश्मीर, हिमाचल के सेब से लेकर बंदरगाहों, हवाई अड्डों और यहां तक की जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं वहां सिर्फ अडानी की ही बात हो रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कई साल पहले रिश्ता शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी गुजरात से मुख्यमंत्री थे। एक व्यक्ति पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वह पीएम के प्रति वफादार था और उसने पीएम मोदी की मदद की। असली जादू तब शुरू हुआ जब 2014 में पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। एक नियम है कि जिसके पास हवाई अड्डे का पूर्व अनुभव नहीं है वह हवाई अड्डों के विकास में शामिल नहीं हो सकता। भारत सरकार ने यह नियम बदला है, इस नियम को बदल दिया है और अडानी को 6 हवाई अड्डे दिए गए। इसके अलावा राहुल गांधी सदन के भीतर ही गौतम अडानी की एक फोटो भी दिखाई। इस पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर ने कहा कि उचित नहीं है और वही इसके बाद